हे दोस्तों वेलकम टू द चैनल थैंक यू सो मच ट्यूनिंग एंड आज हम बात करेंगे द वर्स्ट एंड द बेस्ट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो इंडिया में आप इस टाइम पर ले सकते हो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आई वाज टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट दर्स्ट यू कैन बाय इन इंडिया लोगों को बहुत पसंद आया बट बहुत ज्यादा डिमांड था कि आप सब कॉम्पैक्ट एस यूवीज पे ये वीडियो बनाओ क्योंकि सब कॉम्पैक्ट एस का डिमांड बहुत ज्यादा है देखिए जो एस सेगमेंट है उसको जे सेगमेंट में हम कंसिडर करते हैं और जे सेगमेंट में आपको सब कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलता है सब कॉम्पैक्ट का मतलब है अंडर मीटर जिसका लेंथ इज लेस देन 4000 आज के लिस्ट में है एक्स यूवी थ्री एक्सो वेन्यू सोनेट नेक्सॉन मैगनाइट काइगर एंड बहुत लोग फ्रॉन्स और टेजर को एस यूवीस में कंसिडर नहीं करते हैं ये बहुत ही अंडर रेटेड है तो हम आज फ्रॉन्क्स और टेजर को भी कंसिडर करेंगे इन द लिस्ट और यहाँ पे एट दी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर ब्रेजा क्योंकि ब्रेजा को हम कैसे भूल सकते हैं मारुति के स्ट्रॉ सर्विस के साथ आता है एंड ये पहला कार कार है वन ऑफ द फर्स्ट जो इस सेगमेंट को ओपन किया था इंडिया में हम वर्स्ट से शुरू करते हैं क्योंकि वर्स्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है तो वर्स्ट कार फॉर स्मूथनेस अगर आप स्मूथनेस चाहते हो और एक सिटी में कार खरीदना चाहते हो देन आपको मैगनाइट और काइगर को अवॉइड करना चाहिए इनके जो वन लीटर इंजन है इज नेचुरली एस्पिरेटेड ये उतने स्मूथ नहीं लगते हैं हाँ अगर आप नॉर्मल स्पीड्स में सीडेटली चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जब आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपको इसका जो इंजन का जो लैग है वो फील होता है विच इज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इफ यू लव टू ड्राइव अगर आप ड्राइविंग कंसिडर करना चाहते हो कार परचेस करने के पहले एज वन ऑफ योर टॉप प्रायोरिटी काइगर एंड मैगनाइट आपके लिए बिल्कुल नहीं है अभी हम वर्स्ट लुकिंग कार की बात करें तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है आज मैं कोई कार को अगर वर्स्ट बोलूंगा तो इट्स अ वेरी स्ट्रोंग वर्ड बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा सो देर विल ऑलवेज बी आर्ग्यूमेंट्स तो इसको मैं वर्स्ट नहीं बोलना चाहता क्योंकि जितने भी कार्स आज लिस्ट में हैं ऑल ऑफ देम आर गुड लुकिंग कार्स बट अगर लिस्ट में बॉटम में होता तो शायद मैं वेन्यू को प्लेस करता वेन्यू लुक्स वेरी सिंपल आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सा अपडेट आया था इसके डिज़ाइन में जो इसके लुक को इंप्रूव किया है बट आज भी ऐसा लगता है कि इसका जो कंपीटिंग ब्रांड्स है ये बेटर लुकिंग डिजाइन आपको ऑफर करते हैं इवन सोनेट लुक सो मच बेटर देन वेन्यू देखिए दोस्तों अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप अपना लिस्ट बता सकते हो ये वीडियो में मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ मैं खुद का लिस्ट बताना चाह रहा हूँ इफ़ यू एग्री दैट ग्रेट इफ यू डिस कार इन टर्म्स ऑफ हाईवे परफॉर्मेंस अगर आप हाईवे में ओवरटेक uh, करना चाहते हो या आप यूजअली हाईवे में चलाना चाहते हो सेवेंटी uh, परसेंट आपका हाईवे में चलाना रहता है यूर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी आई थिंक यू शुड अवॉइड बलिनो ग्लानजा या कोई भी मारुति के कार्स ये कार जो है आपको सॉलिड फील नहीं होता है ट्रिपल डिजिट स्पीड जब आप हाईवे में चलाते हो और ट्रिपल डिजिट स्पीड्स अचीव करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग और सॉलिड फील होना चाहिए बट आपको मारुति के कार्स में वो फीलिंग नहीं आता है क्योंकि कार बहुत लाइट फील होता है सो इफ यू आर लुकिंग टू क्रूज ऑन हाईवे डिजिट स्पीड्स ये कार सेफ नहीं है एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट फील वेरी सॉलिड ऑन हाईवे सो ये एक परफेक्ट सिटी कार है बट ये हाईवे कार बिल्कुल नहीं है अगर आप माइलेज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो तो एक्स यू को आप अवॉइड कर सकते हो एक्स यू उतना बुरा नहीं है जितना लोग बोलते हैं ठीक ठाक माइलेज दे देता है आपको बट अगर आप माइलेज को प्रायोरिटी में बहुत हाई मानते हो और आपके लिए माइलेज सब कुछ है तो एक्स यूवी थ्री आपके लिए नहीं है जितना आप एक्सेलरेटर को फ्लोर करोगे उतना ही पेट्रोल या फ्यूल या कंज्यूम करेगा और आपको इतने अच्छे फिगर्स नहीं दिखेंगे स्पेशली सिटी स्पीड्स में चलाते हो तो महिंद्रा एक्स यूवी थ्री आपके लिए बिल्कुल नहीं है इस कार को अवॉइड कीजिए वर्स्ट कार फॉर सेफ्टी आई थिंक हिंडा और मारुति की कार्स को आप अवॉइड कर सकते हो इफ यूर थिंकिंग अबाउट सेफ्टी इवन जो रेनोकाइर और निशान मैग्नेट है ये भी बढ़िया सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं दैट इज फोर स्टार्स एंड मारुति और उंडाई का कोई अता पता नहीं है सेफ्टी रेटिंग को लेके आज के टाइम में जब इतना डिमांड है सेफ्टी का मुझे लगता है कि ब्रांड्स लाइक हिंडाई एंड मारुति शुड कम गुड सेफ्टी रेटिंग्स फॉर देअर कार्स तो अगर आप सेफ्टी को वैल्यू करते हो हाईवे में ज्यादातर चलाते हो तो आप मारुति और हंडाई के कार्स को अवॉइड कीजिए यह कार्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है द मोस्ट आउटडेटेड कार देखिये आउटडेटेड कार को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं रिसेंटली कितने अपडेट्स मिले है कार को विच इज द ओल्डेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स बहुत टाइम से कोई कार को अगर अपडेट नहीं मिला है तो हम उसको आउटडेटेड कार कंसिडर करते हैं इस लिस्ट में तो इस लिस्ट में द लास्ट सबसे आउटडेटेड कार लगता है ब्रेजा आज के टाइम में ब्रेजा इसीलिए आउटडेटेड लगता है क्योंकि ऑल द कार्स इन द सेगमेंट कंपीटिंग कार जो है एक्स यू वी थ्री एक्सो ले लो सारी जो सब कार्स है इसमें इतने सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर रहे हैं बेटर सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर रहे हैं ब्रेजा फील स्लाइटली आउटडेटेड क्योंकि वो सोफिस्टिकेशन और टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलता है जो बाकी कार आपको ऑफर कर रहे हैं ब्रेजा में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं मैं मानता हूं इस बात को इट जस्ट आउटडेटेड तो नहीं लगता है बट कंपेयर टू अदर कार्स इन दिस लिस्ट इट जस्ट फॉल्स शॉर्ट राइट तो अगर आप फीचर चाहते हो टेक्नोलॉजी चाहते हो यू वॉन्ट अ वेरी मॉडर्न कार तो आपको ब्रेजा उतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा बट ब्रेजा बहुत सारे एरियाज में स्कोर करता है क्योंकि एक बहुत बढ़िया कार है आगे देख लीजिए अभी हम बेस्ट से शुरू करते हैं सबसे बेस्ट कार फॉर ड्राइविंग अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करते हो जस्ट गो फॉर एक्स यू थ्री एक्स के जो एंजन है दे आर अनबिलीवेबल आप कोई भी इंजन ले लो टर्बोचार्ज दोनों इंजन आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं इवन द डीजल इंजन फील्स अमेजिंग टू ड्राइव आई एम रियली इंप्रेस्ड विद ऑल गियर बॉक्स दैट आर अवेलेबल द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग इसकी डीजल में आपको ए मिलता है मुझे लगता है कि उसमें अगर वो टॉर्क कन्वर्टर देते तो मजा आ जाता बट यहाँ पे आपको ड्यूएल क्लच के ऑप्शन नहीं मिलता है महिंद्रा की तरफ से इफ दे वुड वुड दैट इट बी ग्रेट क्योंकि टाटा भी ऑफर कर रहा है आज के टाइम में अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करते हो जस्ट गो फॉर एक्स यू थ्री एक्स यूलॉय ड्राइविंग दस कार बेस्ट फैमिली कार फैमिली कार को अगर हम कंसिडर करते हैं तो बूट स्पेस रेयर लेगरूम सेंस ऑफ स्पेस कम्फर्ट ये सारे चीजों को हम वैल्यू करते हैं और सबसे बेस्ट फैमिली कार है मेरे हिसाब से नेक्सॉन नेक्सॉन एक बेटर फैमिली कार है इवन बेटर देन आई विल गिव यू द रीजन फॉर दैट देखिए नेक्सॉन का जो बूट स्पेस है वो काफी अच्छा है बैक सीट का जो स्पेस है वो भी बढ़िया है आपको रीसेल वैल्यू ठीक ठाक मिलता है हाईवे में भी आप चला सकते हो आपके फैमिली के साथ क्योंकि स्टार रेटिंग के साथ आता है कोई भी कार इस सेगमेंट में या इस लिस्ट में फाइव स्टार रेटिंग स्कोर नहीं करता है लॉन्च के, कर OK के बाद नेक्सॉन के सेल्स डाउन हो गए बट आज भी नेक्सॉन के लिए एक बढ़िया मार्केट है उनके लिए स्पेशली जो स्पेस चाहते है बूट स्पेस चाहते हैं और एक अच्छी अच्छा बढ़िया सा फैमिली कार चाहते हैं द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जब आप कोई कार लेते हो फीचर्स बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे कार्स है जो आपको बढ़िया फीचर्स ऑफर करते हैं बट वो फील गुड वाले फीचर्स ना एक कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप इन कार्स को यूज़ करते हो तो सारे छोटे मोटे जो फील गुड वाले फीचर्स इनको देख के आपको ऐसा लगता है कि चलो भाई जो मैंने चूज़ किया है परफेक्ट कार है मेरे लिए और सही जगह मैंने पैसे लगाया तो ये फीलिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि सोनेट बेस्ट कार है सोनेट में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं उसके साथ ये जो फीचर्स है बहुत अच्छे से भी काम करते हैं क्वालिटी की बात करें इट लुक्स एंड फील्स वेरी नाइस आप इसके लिस्ट में जितने भी कार्स आज के टाइम में है वेन्यू इज़ द ओनली कार विच कम्स क्लोज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इसका जो डिज़ाइन है सोनेट का वो वेन्यू से भी बेहतर है अगर आप डिज़ाइन और फीचर्स प्रीमियमनेस ये सब चाहते हो तो सोनेट आपके लिए बढ़िया कार है इसका टॉप एंड मॉडल लेते हो तो आपको सारे फीचर्स मिलते हैं इन कार में अगर आप सिटी कंफर्ट चाहते हो इफ यू आर लुकिंग फॉर कंफर्ट, मतलब ख़राब रास्तों में चलाने के टाइम इट शुड बी इजी फॉर यू टू ड्राइव क्योंकि जो सस्पेंशन कंफर्ट है वो बढ़िया रहना चाहिए उसके साथ बढ़िया माइलेज और ज़्यादातर आपका सिटी में चलाना रहता है सो यू आर लुकिंग फॉर लाइट कंट्रोल्स एफिशेंसी तो आपको टेजर या फ्रोंग्स दोनों सेम कार्स हैं जिसका डिज़ाइन आपको पसंद आता है जहाँ आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलता है वो आपको ले लेना चाहिए दोनों कार्स परफेक्ट है फैमिली के लिए जो सिटी में चलाना चाहते हैं और उनको बढ़िया माइलेज चाहिए इट्स अ परफेक्ट कार ये ऑप्शन आपके लिए आज भी मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया रहेगा अब मुझे लोग पूछते हैं कि ब्रेजा क्यों नहीं कंसिडर कर सकते देखो फ्रोंग्स और जो ब्रेजा है इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो ब्रेजा है इसमें आपको 1.5 का इंजन मिलता है जो आपको बढ़िया पावर डिलीवरी ऑफर करता है बट उसके साथ वो सेम माइलेज और एफिशिएंसी आपको ऑफर नहीं करेगा जो फ्रॉन्क्स में मिलता है क्योंकि फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है जो पावर में उतना बढ़िया नहीं है जितना ब्रेजा है बट माइलेज में ब्रेजा से बेहतर है द बेस्ट कार फॉर हाईवे नेक्सॉन और थ्री एक्सो दोनों बहुत क्लोज है क्योंकि दोनों स्टेबल और सॉलिड लगते हैं दोनों फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करेंगे ऑलरेडी नेक्सॉन स्कोर कर चुका है एक्सपेक्टिंग दी एक्स्यू वी थ्री एक्सो ऑल्सो टू स्कोर फाइव स्टार बट एक्स यू वी थ्री एक्सो बीट्स नेक्सॉन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कोई भी आप इंजन ले लो एक्स यू वी थ्री एक्सो में वो स्ट्रॉग सॉलिड आपको फील होता है हाईवे में ओवरटेक करने में काफी एफर्टलेस लगता है नेक्सॉन की बात करें तो इनके जो इंजनस है रेबरट्रॉन वो इतने सॉलिड नहीं है डीजल तब भी ठीक है बट डीजल इंजन भी एक्स यू थ्री एक्सो का बेहतर लगता है तो अगर आप

सिंपल चीजें पसंद करते हैं और उनको सिंपल कार चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड फर्स्ट फ्री ओनरशिप आपको ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए मुझे लगता है कि आज भी ये बहुत ही बढ़िया कार है थोड़ा अंडर है और लोग इसको उतना वैल्यू नहीं दे रहे बाकी लॉन्चेस के बाद बट ये कार उनके लिए बढ़िया है जो सेंसिबल कार चाहते हैं द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार वैल्यू फॉर मनी का मतलब इट शुड ऑफर अ लॉट ऑफ फीचर्स सेफ्टी एंड क्वालिटी फॉर अ वेरी लाइस प्राइस और यहाँ पर थ्री एक्सो जिस बीट्स द कॉम्पिटिशन अगर इसके बेस मॉडल देखते हो आप इतने सारे फीचर्स और इतना बढ़िया इंजन एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी आपको इतने अच्छे प्राइस में मिल रहा है बहुत अच्छी बात है और महिंद्रा को बीट करना बहुत मुश्किल है कोई भी कंपीटिंग ब्रांड्स के लिए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइजिंग के साथ थ्री को लॉन्च कर चुके हैं वेरी नाइस प्रोडक्ट एट अ वेरी गुड प्राइस आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो द बेस्ट लुकिंग कार अगेन सब्जेक्टिव है बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं भाई अगर मैं आज नेक्सॉन बोलूंगा तो लोग बोलेंगे नेक्सॉन लुकिंग नहीं थ्री एक्सो बेस्ट लुकिंग है तो देखिए मैं अगर कोई डिजाइन को पसंद करता हूँ या वैल्यू करता हूँ तो वो काफी प्रपोशननेट होना चाहिए ऐसा नहीं कि आगे की तरफ आप देखते हो तो बढ़िया लगता है और पीछे उतना स्ट्रांग डिजाइन नहीं है कहीं भी देखो कोई भी एंगल में देखो कार बढ़िया लगना चाहिए इट शुड लुक वेल प्रपोर्शन और यहाँ पे थ्री मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता है आई थिंक द बेस्ट लुकिंग कार इज क्लियरली सोनेट अगर आप डिज़ाइन को ज्यादा वैल्यू करते हो एक्सटीरियर डिजाइन वो वग्रेसिव लुक चाहिए आपको फ्रॉम एनी एंगल सोनेट इज जस्ट अ बेटर कार आई फील जो अंडर सीटेड लुक चाहते हैं वो शायद वेन्यू को पसंद करेंगे बट मुझे वेन्यू का डिजाइन उतना पसंद नहीं है आई पर्सनली फील की सोनेट में वो एलिमेंट्स है जो हम एक एस यू वी से एक्सपेक्ट करते हैं आई रियली लव द डिजाइन ऑफ ऑल द किया कार्स आर अवेलेबल इवन केरेंस का डिज़ाइन बढ़िया है आज के लिस्ट में सोनेट बेस्ट लुकिंग कार है द बेस्ट कार फॉर रीसेल वैल्यू अभी देखिए हिंडाई और मारुति के जो कार होते हैं वो रीसेल में बढ़िया रहते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो आप सेम करने का सोचते हो देन सबसे बढ़िया ऑप्शन हिंडाई और मारुति के कार से और इनमें जितने भी कार्स हैं उनमें सबसे बेस्ट रीसेल आपको ब्रेजा से मिलेगा वेन्यू वेन्यू Venue और सोनेट भी आपको बढ़िया रीसेल मिलेगा ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहेगा

किसी पे वीडियो चाहते हो तो जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो में हैचबैक बनाऊंगा अगर आप एक डिटेल लिस्ट चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में बट प्लीज आप अपना लिस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए एंड नेक्स्ट वीडियो आल्सो मेक ऑन कॉम्पैक्टीज जहां पे एलिवेट और क्रेटा सारे जब जो एस्टर इतने सारे कार्स अवेलेबल है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा टिल देन टेक केयर ऑलवेज ड्राइव सेफ योर सीट बेल्ट